हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल होबोटेक हिंदी चैनल में। दोस्तों, आज हम एमआई के गेट ऐप के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एमआई के गेट ऐप से ऐप्स को डाउनलोड करते हैं या फिर कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं या फिर आप जो है एमआई गेट ऐप में आपको जो कॉइन्स मिलते हैं, आप उन कॉइन्स को इकट्ठा करने के लिए आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो इसमें हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि हम जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो बार बार री इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि री डाउनलोड होने लगता है। तो दोस्तों, आज हम इस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और इसे हम ठीक करने की कोशिश करेंगे कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके इस गेट ऐप में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपके जो ऐप है वो डाउनलोड ही नहीं हो रहे हैं, तो मैंने इसके लिए पहले से एक वीडियो बना के रखी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको अपने नेटवर्क को चेक करना होगा कि आपका जो इंटरनेट है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। और दोस्तों, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि हम अपने रीइंस्टॉल जो हमारा ऐप होता है बार बार, हम उसे प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो बार बार वो रीइंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि तो दोस्तों वो जो ऐप है आपको बार बार डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपकी जैसे डाउनलोड पूरी होती है फिर से वो री डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, हम इस प्रॉब्लम कैसे ठीक करेंगे, तो इसके लिए आपको जाना होगा अपनी सेटिंग में। तो हम चलते हैं अपनी सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आप जाएंगे ऐप्स में। ऐप्स का आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैनेज ऐप आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे, मैनेज ऐप में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक गेट ऐप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है एप्लीकेशन। अगर ये आपके ऊपर नहीं दिखाई देती है तो आप इसे यहाँ से जाकर सर्च भी कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर जैसे गेट ऐप टाइप करेंगे तो आपके सामने आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमारे सामने आ चुकी है। और इसके बाद दोस्तों, आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर क्लियर डाटा, तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपका क्लियर ऑल डाटा आपको यहाँ पर करना होगा। तो आप इसे इस तरह से करेंगे। और दोस्तों, इसके बाद हम एक सेटिंग और करेंगे, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, अभी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इसे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होगी। तो यहाँ से करने के बाद दोस्तों, हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हमें दोस्तों यहाँ पर हमें लिखना होगा पैकेज इंस्टॉलर। और दोस्तों, जब आप यहाँ पर पैकेज लिखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पैकेज के नाम से यहाँ पर आपको तीन एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है तो आप इसमें देख सकते हैं पैकेज इंस्टॉलर, आपको इस पर जाकर टैप करना है। तो इस तरह से आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जाना है इसमें स्टोरेज में। स्टोरेज में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो क्लियर डाटा है आपको इसे इस तरह से क्लियर करना होगा। तो क्लियर ऑल डाटा, ओके करेंगे। और उसके बाद दोस्तों, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका जो ये फ़ोन है उसको आपको एक बार ऑन ऑफ ज़रूर करना होगा। ऑन ऑफ करने के बाद अपने नेटवर्क को चेक कीजिए और आप यहाँ पर फिर से इसे डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। अगर उसके बाद भी आपके यहाँ पर ऐप डाउनलोड नहीं होते हैं तो आपको लास्ट जो सेटिंग है आपको वो करनी है। तो आपको इसके लिए अपने एमआई गेट ऐप है उसको ओपन करना होगा। और दोस्तों, ओपन करने के बाद आपको जाना होगा मी, यानी कि आपकी जो प्रोफाइल है उसमें जाना होगा। और दोस्तों, मी में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देता है मैनेज डाउनलोड। मैनेज डाउनलोड पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपके जो भी रिसेंट में जो भी आपके ऐप हैं वो जो डाउनलोड नहीं हुए हैं आपको उनको यहाँ पर जाकर क्लियर करना होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा तो आप उसे यहाँ से कट कर सकते हैं और क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो भी ऐप्स हैं आपको उनको क्लियर करना होगा। और उसके बाद आप जब भी अपने ऐप्स को डाउनलोड करने की ट्राई करेंगे तो वो आपका एक ही बार में डाउनलोड हो जाएगा, उसमें आपको कोई भी री डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आई होप कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दूसरों के साथ शेयर करें जिनको इस तरह की प्रॉब्लम आई है। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।